नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमित करकरे है और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे इस YouTube चैनल में। ये मेरा पहला ही हिंदी वीडियो है, सो अगर भाषा के यूज़ में अगर कोई डिफ़िकल्टी हुई तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। आज हम देखने वाले हैं स्ट्रैमोनियम चाइल्ड। सो कैसे स्ट्रैमोनियम दवाई को हम सीख सकते हैं, कैसे स्ट्रैमोनियम को हम समझ सकते हैं इन केस ऑफ चिल्ड्रन। डॉक्टर केंट ने ऐसे कहा है कि स्ट्रैमोनियम इज लाइक एन अर्थक्वेक, जैसे धरती फटती है, जैसे भूकंप होता है, उस वक्त जैसे रौद्र रूप रहता है धरती का, वैसे ही स्ट्रैमोनियम का वॉयलेंस रहता है। द माइंड इज इन एन अपरोर, जैसे काफ़ी गालियाँ देना, कपड़े फाड़ना, काफ़ी वॉयलेंट प्रकार की स्पीच रहती है उनकी। इस प्रकार से टिपिकली स्ट्रैमोनियम का चाइल्ड और स्ट्रैमोनियम की पर्सनैलिटी दे कैन रिएक्ट। सो एंगर इतना रहता है, गुस्सा इतना रहता है कि दे कैन रिएक्ट इन अ एक्चुअल वॉयलेंट वेज। उनके विचार वॉयलेंट रहते हैं, उनके एक्शंस और बिहेवियर भी वॉयलेंट रहता है। जैसे वॉयलेंट उनका एंगर रहता है, गुस्सा रहता है, वैसा ही वॉयलेंट उनका डर भी रहता है। टिपिकली नाइटमेयर्स में, जहाँ पे रात को बुरे सपने देख के काफ़ी डरावने सपने आ जाते हैं बच्चों को, सो जो चाइल्ड अवेक्स टेरिफाइड, इतना डरावना सपना रहता है कि वो बच्चा एकदम एक्सट्रीम टाइप के डर से वो जाग जाता है। ही स्क्रीम्स विथ फाइट एंड क्लिंग्स टू दोज, जो आजू बाजू में जो लोग हैं उनको एकदम जोर से वो पकड़ लेता है, क्योंकि देर इज़ अ लॉट ऑफ फियर बिकॉज ऑफ द नाइटमेयर्स। सो दैट्स अ टिपिकल डिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर केन देते हैं। डॉक्टर बोगर ने लेकिन कहा है, डॉक्टर बोगर आपको मालूम है कि डॉक्टर बोगर उनके उनका जो मटेरिया मेडिका का बुक है उसमें काफ़ी कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताते रहते हैं। सो उन्होंने कहा है कि इट्स अ रेमेडी ऑफ टेरर्स बट दे लैक इन पेन। सो काफ़ी टेरर वाली, काफ़ी पैनिक, काफ़ी डरा डर जिसमें है, ऐसी रेमेडी है, बट उसमें पेनलेस स्टेट भी है उसके साथ। देर इज अ डिसऑर्डरली ग्रेसफुल और रिदमिक मूवमेंट्स, सो काफी रिदमिक टाइप ऑफ मूवमेंट्स भी इस रेमेडीज में है। अंधेरे का उनको काफी डर रहता है, और वैसे ही उनको डर लगता है उन चीजों का जो काफी चमकीली है। दे हैव अ ग्रेट थर्स्ट बट दे ड्रेड वाटर, काफी उनको प्यास लगती है लेकिन वो उनको पानी से भी डर लगता है, और जब डर लगता है तो वो काफ़ी चिल्लाते हुए वो नींद से जाग जाते हैं। अगर हमने ये सिम्टम्स देखे सब, कि अंधेरे से डर लगता है लेकिन चमकीले चीज़ों से भी डर लगता है, काफ़ी प्यास लगती है फिर भी पानी से डर लगता है, सो हमें पता चलता है कि दिस इज़ अ टिपिकल रेमेडी ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम्स और अल्टरनेटिंग सिम्टम्स। अगर हम डर की बात करें स्ट्रैमोनियम में, तो काफ़ी अलग अलग चीज़ों का डर उनको रहता है ये बच्चों को। दे आर क्लॉस्ट्रोफोबिक, जैसे वो जो बंद दरवाजे हैं, लिफ्ट है, या फिर छोटे रूम है जिसमें ज़्यादा कोई विंडोज़ वगैरह नहीं है, तो उस प्रकार के रूम में इनको काफ़ी डर लगता है। उनको डर लगता है झगड़ों से, जैसे फाइट्स रह रहा है, वॉयलेंट चल रहा है। टिपिकली ये वॉयलेंट फिल्में नहीं देखेंगे, वो ऐसी फिल्में देखेंगे जिनमें कोई वॉयलेंट ना हो, या फिर अगर वॉयलेंस है तो वो आँख बंद कर लेंगे। उनको रात को डरावने सपने आते हैं, उनको अंधेरे से डर लगता है लेकिन शाइनिंग ऑब्जेक्ट से भी डर लगता है, पानी से डर लगता है, मौत से काफ़ी डर लगता है। स्ट्रैमोनियम चिल्ड्रन आर वेरी फियरफुल ऑफ डॉग्स, कुत्तों से उनको काफ़ी डर लगता है। जिस घर में कुत्ते हो, या फिर उनको लगे कि जिस घर में कुत्ता हो, वो बिल्कुल वहाँ नहीं जाते। और इन सबको होते हुए भी उनको अकेले रहने का भी डर लगता है। सो जैसे मैंने कहा, अल्टरनेटिंग स्टेट्स काफ़ी प्रोमिनेंट है स्ट्रैमोनियम में। उनको अंधेरे से डर है, फिर भी वो जहाँ पे ब्राइट लाइट है वहाँ पे जाने से डरते हैं। मन में दे ऑलवेज हैव अ वांट ऑफ लव, उनको लगता है कि कोई उनको केयर करे, कोई उनकी उनको केयर करे, उनकी
उनको प्यार दे, लेकिन फिर भी वो जो उनके मन में जो डर है, उनके मन में जो भावना रहती है लोगों के बारे में, उसकी वजह से वो सोशल कॉन्टैक्ट्स को भी थोड़ा सा दूर रखता है। वो लोगों से दूर रहेंगे क्योंकि कुछ और चीज़ें हैं उनके माइंड में जो हम आगे देखेंगे, जिसकी वजह से वो दूर भी रहता है। सो एक तरफ प्यार भी चाहिए, एक तरफ केयर भी चाहिए, एक तरफ लोगों से उनको मिलना भी है, लेकिन एक तरफ ये भी डर है कि लोगों से मिले और अगर तकलीफ हुई तो क्या होगा। सो इसलिए वो बाजू में भी रहता है। जिस प्रकार से उनको काफ़ी डर रहता है, उस प्रकार से अगर वो गुस्सा हो गए तो काफ़ी वायलेंट भी दिखाता है। सो एक तरफ डर है और एक तरफ वायलेंस है। फिजिकली भी वो कन्वर्जेंस दिखाता है, जैसे फिट्स आते हैं लोगों को, फेफड़े आते हैं। सो वो कन्वर्जेंस भी दिखाता है और वो पैरालिसिस भी दिखाता है। सो एक तरफ सडन अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स भी है और एक तरफ कंप्लीट लॉस ऑफ मूवमेंट्स भी है। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अल्टरनेटिंग स्टेट्स है इस रेमेडीज में। उनको अकेले रहने में भी डर लगता है, लेकिन उसके साथ उनका सोशल और सोशल बिहेवियर भी काफ़ी है। वो सोशली वो इतने ठीक से नहीं रहता है। एक तरफ वो काफ़ी पॉम्पस या फिर शोई रहेंगे, काफ़ी अपने आप को बढ़ा चढ़ा के दिखाएंगे, और दूसरी तरफ द सेम पर्सन इन सम अदर सिचुएशन और अ डिफरेंट साइमोनियम पर्सन कैन ऑल्सो भी वेरी शाय, कि जो काफ़ी किसी से मिलते हुए भी डरे हुए ऐसे रहेंगे। रेपर्टरी में भी एक डिविजन दिया है कि डिविजन गॉड ही इज डेविल अल्टरनेटिवली एंड। सो एक कभी कभी उनको लगता है कि वो भगवान है और कभी कभी उनको लगता है कि वो शैतान है। दैट इज अ टिपिकल रूब्रिक विच विल एग्जैक्टली टॉक अबाउट दिस अल्टरनेटिंग स्टेट्स इन स्ट्राइमोनियम। लेकिन ये क्यों पैदा होता है, ये इसका इवोल्यूशन कैसा होता है, इसको कैसे ये स्ट्राइमोनियम चाइल्ड बनता है। सो प्रेगनेंसी में जो हिस्ट्री रहती है वो मदर को काफ़ी बार फिजिकली या इमोशनली हैरेस किया जाता है, ट्रबल किया जाता है। देर इज़ अ हिस्ट्री कि वो काफ़ी फिजिकली इंजर्ड थी, फिजिकली उनको उन पे कोई इनजस्टिस हो रहा था, उनको उनको हैरेसमेंट हो रहा था, टॉर्चरिंग हो रही थी, जैसे काफ़ी झगड़े होते थे, उनको काफ़ी कोई बुरी चीज़ें बोल रहे थे। सो फिजिकली एंड इमोशनली काफ़ी टॉर्चर्ड हिस्ट्री कई बार मिलती है मदर को। अगर आप पूछे कि आपका वो जो 9 महीने आप प्रेग्नेंट थे तो उस दौरान आपके इमोशनल स्टेट कैसा था, सो दे विल ऑलवेज गिव सच काइंड ऑफ हिस्ट्री। सो जब बच्चा पैदा होता है, सो लाइक राइट फ्रॉम वेरी अर्ली एज वो एक इननेट सस्पिशियसनेस दिखाता है अबाउट लोगों के बारे में। उसको डर लगता है लोगों के बारे में, काफ़ी एक डर रहता है, एक सस्पिशन रहता है कि यार ये कोई कुछ बुरा करेगा कोई आदमी। सो ज़्यादा इजीली वो विश्वास नहीं रखते किसी पे। लुक भी, अगर वो बच्चा जब आता है आपके क्लिनिक पे तो लुक भी काफ़ी ट्रबल्ड रहता है, वो रिकल फेस रहता है, लुक रहता है, उसमें एक सस्पिशन रहेगा आपकी तरफ। आप उनको बोलेंगे कि यहाँ ज़रा मुझे आपकी ज़बान दिखाओ, सो दे विल हैव अ सस्पिशन कि आप शायद इंजेक्शन दे दोगे, आप ये करोगे। सो दे विल टेक एवरीथिंग विथ प्रिकॉशन, वो सब एकदम तोल माप के देखेंगे पहले और फिर आप पे विश्वास रखेंगे। तो आप किसी भी स्ट्रेंजर पे विश्वास रखना ये उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट चीज़ रहती है। दे ऑलवेज शो एजिटेशन एंड अनईज, अंदर अंदर वो काफ़ी रेसलेस लगता है। यू डोंट फील कि वो चाइल्ड काफ़ी कंफर्टेबल है। उसके घर में भी जाओ, आपके उसके रूम में भी जाओ, उसको उसके रूम में देखो, फिर भी वो थोड़ा सा इस अंदर से वो थोड़ा सा अनईजीनेस रहता है। देर इज अ क्रॉनिक एप्रीहेंशन, काफ़ी बार उनको ऐसा एक अंदर से डर रखता है कि कुछ बुरा होने वाला है या फिर यार ये इसमें से कुछ बुरा निकलेगा। सो वो जो डर है, वो कुछ वो जो टॉर्चरिंग जो उन्होंने सहा है, टॉर्चरिंग जो उन्होंने जो फील किया है, वो सब टॉर्चरिंग इट गेट्स मैनिफेस्टेड एज अ क्रॉनिक एप्रिहेंशन और सफरिंग दे आर विच गिव्स राइज टू इनसेंसिटिविटी टू पेन। इतना वो सफरिंग रहता है उसके साथ, दे आर इनसेंसिटिव टू पेन एंड इंजुरीज। सो टिपिकली ऐसे अगर आप पूछे पेरेंट्स से तो पेरेंट्स ऐसे टिपिकली एक हिस्ट्री देते हैं कि उसको कोई कोई अगर वो गिर जाता है तो उसको ज़्यादा वो रोता नहीं है, ज़्यादा ये नहीं करता है, वो काफ़ी उसकी पेन बर्दाश्त करने की उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा है। तो दिस इज़ द टिपिकल हिस्ट्री दैट द मदर और द पेरेंट्स कैन गिव। सो जिस प्रकार से हम बोलते हैं ना एक विशेष साइकिल है, वो विशेष साइकिल ऐसे रहता है स्ट्राइमोनियम में।
कि बचपन से, क्योंकि उसने कुछ पहले से ही, देर इज़ ए हिस्ट्री ऑफ टॉर्चर इन द इन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, बच्चा काफ़ी अनहैप्पी रहता है, एक प्रकार से सस्पिशियस रहता है लोगों के बारे में, तो ज़्यादा किसी से मिलता नहीं है, मिलता है तो भी ज़्यादा विश्वास नहीं रखता किसी पे, उसमें और ऐड हो जाता है वो सेंसिटिव टू कॉन्ट्रडिक्शन और रिप्रीमांड, कोई उसे टोके या कोई उसे ना कहे तो वो काफ़ी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, और उसके जो मैनिफेस्टेशंस रहता है, उसके जो लक्षण रहता है, या फिर उसको किस प्रकार से वो रिएक्ट करता है अगर उसके साथ कोई टोकता है या फिर उसको उससे कोई ठीक से बात नहीं करता है, सो पहले से ही मन में ऐसे विश्वास है या फिर पहले मन में ऐसी धारणाएं हैं कि लोग मुझसे ठीक बर्ताव नहीं करेंगे, उसके ऊपर अगर किसी ने ना कह दिया, उसे उस किसी ने टोक दिया, तो उनको तो वो बिल्कुल सही लगता है कि हाँ, मेरे जो मेरे मन में था वही हुआ, देन दे रिएक्ट विथ अ वेरी रूड एंड वायलेंट आउटबर्स्ट, कि उनको लगता है कि मुझे जो मन में जो मेरे शंकाएं थी वो बराबर वैसे ही निकली, लोग ऐसे ही है, लोग बुरे ही है, लोग हमारे साथ बुरा ही बर्ताव करने वाले हैं, लोग हमारे साथ हमें ठगने वाले हैं या फिर मेरे साथ कोई बुरा बर्ताव ही करने वाला है, देन दे रिएक्ट इन अ वे ऑफ रूड एंड वायलेंट आउटबर्स्ट। लेकिन ये करने के बाद कई बार ऐसे पता चलता है कि अरे यार, उनके मन में वो वैसे नहीं था, उनके मन में इतने भी बुरे नहीं थे, या फिर कुछ हमने ही कुछ ठीक से परसीव नहीं किया, देन देर कैन बी अ गिल्ट एंड सोशल रिजेक्शन, गिल्ट में जा जाते हैं, फिर लोगों से वो दूर रहते हैं ताकि इस प्रकार से फिर से तकलीफें ना हो, गुस्सा आए तो भी वो एक्सप्रेस नहीं करते, वो सप्रेस रहता है, और उससे फिर से वो अनहैप्पीनेस पड़ता है, फिर से लोगों के बारे में उनका जो विचार है वो निगेटिव हो जाता है, और अगर इस निगेटिव में अगर फिर भी अगेन दैट वो जो सस्पिशियस ने अंदर का उस पर अगर और लोगों की वजह से, सो दिस दिस साइकिल दिस कंटिन्यूज, दिस अनहैप्पीनेस लीडिंग टू वायलेंट आउटबर्स, लीडिंग टू गिल्ट एंड सोशल रिजेक्शन, मेकिंग द चाइल्ड अनहैप्पी, एंड अगेन दैट दैट विशियस साइकिल विल कंटिन्यू। सो टिपिकली ये जो बच्चे हैं उनको आपके पास लाया जाएगा क्योंकि वो ट्रबल्ड बच्चे रहते हैं, वो खुद भी ट्रबल्ड रहते हैं और लोगों को भी काफ़ी ट्रबल देते हैं बिकॉज ऑफ देयर वायलेंट आउटबर्स्ट। सो स्कूल से कंप्लेंट्स आते हैं कि ये बच्चा बिल्कुल किसी के साथ मिलता जुलता नहीं है, ये बच्चा बिल्कुल मिक्स नहीं होता, ये बिल्कुल सबको तकलीफ देता रहता है, कुछ भी छोटा बहुत चीज़ें हो तो ये मारता रहता है सबको, काफ़ी वायलेंट रहा बच्चा है। सो टिपिकली दीज आर द ट्रबल चिल्ड्रन, दीज आर द चिल्ड्रन जो स्कूल से बोला जाता है कि इनको हम निकाल देंगे स्कूल से अगर ये ऐसे बर्ताव करे तो। पेरेंट्स भी काफ़ी यहाँ वहाँ की चीज़ें करते रहते हैं लेकिन वो भी एक प्रकार से डिसअपॉइंट होता है क्योंकि ये बच्चा बिल्कुल उसको उनको रिस्पॉन्ड नहीं करता। सो पेरेंट्स भी आपके साथ आपके पास आते हैं जब बच्चे को लेके, तो वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं बच्चे के बारे में कि इसको कितना हम करने की कोशिश करें फिर भी ये मानता नहीं है, कितना हम इसको ठीक करने की कोशिश करें लेकिन ये मारता ही रहता है लोगों को, ये लोगों के साथ बुरा बर्ताव ही करता रहता है। सो टिपिकली दीज आर द कंप्लेंट चिल्ड्रन, कि जिनके बारे में काफ़ी कंप्लेंट्स रहते हैं घर के लोगों को, स्कूल के लोगों को, नेबर्स को। सो टिपिकली ये विलन्स जैसे उनके उनको पोर्ट्रे किया जाता है, बट वी आर होम्योपैथिक डॉक्टर्स, वी आर नॉट सपोज टू गो ऑन द फेस वैल्यू, वॉट एवर सिम्टम्स हमें बोले जाते हैं सिर्फ उसके ऊपर हम वी शुड नॉट अंडरस्टैंड द पेशेंट जो सिम ओनली बेस्ड ऑन द सिम्टम्स, आई थिंक हमें उसके उसके पार जाना चाहिए। सो ये जो गुस्सा है, ये जो बच्चे का गुस्सा है, ये जो बच्चे का किसी के ऊपर विश्वास नहीं है, ये जो बच्चे का बार बार किसी भी छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा होना, वॉयलेंट होना जो है, ये सिर्फ गुस्सा है या उसके पीछे उसकी जो रेस्टलेसनेस है, उसके पीछे उसका जो वॉन्ट ऑफ लव है वो भी है, ये अगर हम देख पाते हैं तो शायद हम बच्चे को सही तरीके से समझ सकते हैं। सो स्ट्रैमोनियम को गुस्सा कम होने की जितनी ज़रूरत है रेमेडी देने के बाद, उतनी ही वो जो वॉन्ट ऑफ लव है, जो प्योर लव जो उनको चाहिए वो देने की भी उतनी ज़रूरत है। अगर ये हम उसके पेरेंट्स को या फिर उनके नेबर्स को समझा सके, उनको अगर कन्विंस कर सके, तो आई थिंक वी कैन हेल्प द चाइल्ड मच बेटर दैन जस्ट गिविंग द रेमेडी। सो जो जो एंगर है वो सिर्फ एंगर नहीं रहता है, इट्स ऑलवेज अ क्राई फॉर हेल्प, और हम अगर उसको इस प्रकार से समझ सके स्ट्रैमोनियम को, तो शायद हमने उसको सही तरह से समझा लिया। सो ये था स्ट्रैमोनियम का चिल्ड्रन। ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल पे काफ़ी और भी वीडियोस हैं जिसपे आप एल्यूमिना, एपिस, सैनिकुला, इनके बारे में भी जान सकते हैं।
अगर आपको लगता है किसी स्पेसिफिक रेमेडी पे, किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे, होम्योपैथी या फिर बैच फ्लोर रेमेडीज में हम आपके लिए वीडियोस बनाएं, तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, आपको वीडियो अच्छा लगा। आपके जो फीडबैक्स हैं आपके वीडियोस के बारे में या फिर और भी हम क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में, वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। ये वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।